बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारी जगह है, प्लेसेस है, काराकट ही क्यों चुना गया? मैं ये वादा करता हूँ कि पवन सिंह को जीतने के बाद हर एक वहां की जनता जीत रही है। कि मांगिले आशीष भैया छूके चरनिया, कि दही दिहाया अपन दुलार, कि वोट मांगे बेटा भाई तुहार, ए भैया हो कि वोट मांगे बेटा भाई तुहार। दोस्तों, आपने अपने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को एक अभिनेता के रूप में तो बखूबी देखा है और बखूबी प्यार भी दिया है और अपने सर पर बैठाया है पावर स्टार पवन सिंह जी को, लेकिन बारी अब है एक अभिनेता को एक नेता के रूप में देखने की। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त हमारे साथ पावर स्टार पवन भैया के छोटे भाई ऋतिक जी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करना चाहेंगे ऋतिक भाई जी, कैसे है? आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से लोग मुझे, जो लोग भी देखेंगे या देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। क्या बात है। क्या तैयारियां हो रही हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारियां भी बाकी है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव लड़ने का तो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर लिए हैं और जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। क्या बात है। बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारी जगहें हैं, प्लेसेस हैं, काराकट ही क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले तो काराकट हमारा घर है। बिल्कुल, पूरे शाहबाद हमारा परिवार है, घर है, और शाहबाद में सेवा करने का बस भाव है। क्या बात है। और रही बात काम की, तो बहुत जर्जर स्थिति है, वहाँ की सारी जनता वहाँ के स्थिति परिस्थिति से अवगत है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इस बार जनता ने ठान लिया है कि हम अपने भाई को, अपने घर के लड़के को, अपने बेटा को सांसद बनाएंगे और यहाँ के जर्जर स्थिति को हम लोग सुधार करेंगे। इस बार जात पात से उठ के विकास के लिए इस बार वोट करना है। क्या बात है। वीडियोस चल रही है लगातार सोशल मीडिया पर, देख रहा हूँ मैं इंटरव्यू, वहाँ का पब्लिक रिएक्शन देख रहा हूँ, पब्लिक रिव्यू देख रहा हूँ, पूरा काराकट पवनमय हो चुका है। इस चीज को देख कर कितनी खुशी होती है? खुशी इतना है कि मैं ये खुशी कहने से मैं बता भी नहीं सकता हूँ और ये खुशी जाहिर भी नहीं हो सकती है। बस निवेदन है, आग्रह है, दोनों हाथ जोड़ के कि इस बार बस मौका दीजिए। मुझे उम्मीद है कि किसी भी घर के भाई बहन माता पिता के आंखों में आंसू नहीं होगा। क्या बात है। और रही बात हमारे वहाँ का जो मेन मुद्दा है, पाली पुल है, डालमिया नगर फैक्ट्री है, जो स्टेशन के हमारा जो जर्जर स्थिति है, वहाँ के रोड रास्ते, न कोई बढ़िया ढंग का कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज, न केंद्रीय विद्यालय है, तो कह लीजिए कि बस 15 साल से 18 साल से जनता को वहाँ मूर्ख बनाया गया है। बट इस बार जनता ने भी सोच लिया है, ठान लिया है कि ये कब तक मूर्ख बन के आदमी रहेगा, इस बार बदलना है और घर के बेटा को मौका देना है। क्या बात है, क्या बात है। आप क्षेत्र में गए कि नहीं अभी? मैं क्षेत्र में गया, क्षेत्र में ही रह रहा हूँ। क्या लगा वहाँ पे? अभी मीटिंग से पटना अर्जेंट आया था, जो वहाँ का जुनून, जो जोश देखने को मिल रहा है हमारे गार्जियनों को, बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, ये अथाह प्रेम लग रहा है कि इस बार इतिहास रचने का काम करेगा। क्या बात है। बड़े भाई पवन जी कब जा रहे हैं? ये तो हम तो सारे सोशल साइट के माध्यम से अनाउंस तो होगा ही, बट चलिए मैं आपके अभी चैनल के माध्यम से मैं ये बता देता हूँ कि भैया आपके 23 तारीख को अपने ध्यान से सुनिए, एक्सक्लूसिव है, अपने धरती को प्रणाम करने पहुँच रहे हैं, प्रणाम करने पहुँच रहे हैं, आशीर्वाद लेने वहाँ की जनता को पहुँच रहे हैं। क्या बात। और देख लीजिए, बहुत कहने की बात नहीं है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। वहाँ की स्थिति परिस्थिति से मैं फिर बोल रहा हूँ कि वहाँ की जनता अवगत है, वहाँ एक तरह से कह लीजिए कि जीते हुए लोगों को मार दिया गया है। तो जनता कब तक
देखेगा कि हम उस पार्टी से हैं, उस जाति से हैं, कब तक घुट घुट कर रहे हैं, कब तक सिंबल देके वोट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इस बार काराकाट के सारी जनता ने ठान लिया है कि इस बार कोई पार्टी कोई सिंबल नहीं चाहिए, हमारा घर का बेटा चाहिए। क्या बात है। घर का बेटा मैं वादा करता हूँ को काराकाट क्षेत्र को बदलने का काम करेगा। विपक्ष में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय है माननीय सांसद साहब जी जी, बट वहाँ की जनता उनसे टूट चुकी है, उनके लिए हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, और कहने की चीज़ नहीं है, ये बार बार हम नहीं बोलेंगे, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, नहीं। बट उनसे इस बार जनता को उनसे मन फट गया, रूठ चुकी है जनता। आप देख लीजिएगा सोशल साइट के माध्यम से लोग जो वहाँ के अपडेट आपको मिल रहे हैं, हमारे तक पहुँच रही है, ये निंदनीय है एक सांसद के लिए। हमने भी क्षेत्र घूमा तो लगा कि यहाँ बस वही है, कभी कुर्सी, बस कुर्सी बचाने के लिए काम किया गया है, हमारा कुर्सी बरकरार है। इस पार्टी का नाम चल रहा है तो इस पार्टी में चले जाऊँ, इस पार्टी का नाम चल रहा है तो इस पार्टी में, मतलब जोड़ जाड़ के चीजें चल रही है। तो हमको लगता है यही, हम अपने जितना मैं अभी अनुभव किया हूँ बस यही किया हूँ कि यहाँ बस कुर्सी बचाने का काम किया गया, उसके लिए चाहे जो करना पड़े, उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा करना पड़े। आप क्षेत्र में खुद जाइएगा तो वहाँ की स्थिति देखकर आप पड़िएगा, वहाँ की स्थिति देखकर आपको। और आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि आखिर काराकाट क्यों चुने, क्यों चुने? तो आज काराकाट से सटे हमारा आरा है, आज आरा में आप जाइए तो ओवर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेशन आज चमचमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। तो हमारा भाव है सेवा का, तो हमको लगा कि हमारा काराकाट अभी जर्जर स्थिति में, तो वहाँ हम जनता के लिए सेवा करूँगा, खुद पड़े वहाँ की बातें हर एक नवयुवक, हर एक गार्जियनों के बाद सांसद भवन में उठाएंगे। क्या बात, बस इसी के लिए भैया बस काराकाट को पसंद किए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि इस बार काराकाट इतिहास रचने का काम करेगा। क्या बात है, भोजपुरी कलाकारों का कितना सपोर्ट, जैसे बड़े भैया लोग हैं आदरणीय भैया, तीन तीन सांसद साहब, किनकी किनकी बधाई आई है? बीच में तो खबर ये भी चल रही थी कि मनोज तिवारी भैया नहीं चाहते हैं कि पवन भैया, पवन उनका छोटा भाई सांसद बने। सभी लोगों का आशीर्वाद है, पवन सिंह भैया वो नाम है, किसी के लिए भी उनके मन में, उनके दिल में गलत भावनाएं नहीं होती। ये तो मैंने देखा, छल कपट नहीं है। उनके साथ कोई छल भी करता है, गलत भी करता है, तो अगला बोलता है कि नहीं चल जाए। तो मुझे लगता है कि सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, और काराकाट की जनता भी इतना आशीर्वाद दे रहा है, इतना समर्थन दे रहा है। आप बाइक के माध्यम से देखिए ना, आप मीडिया के भाई लोग, काफी लोग वहाँ पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार जय 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 विरोधियों के लिए, कुछ जो अभी लगातार उनका नाम बदनाम करने के लिए। देखिए अगर किसी पेड़ पे फल लगता है तो पत्थर उसी पे चलता है, तो लगे हुए फल पे पत्थर चलता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी पवन नाम ही काफी चले पवन तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया, कर भी रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं, बट जो यहाँ से अच्छा होता है, जो कर्म अच्छा किया होता है, जिसका भाव सेवा का होता है, वो कभी बदनाम नहीं होता है। भगवान के घर में अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीज है। यह हमारे सत्यदीप भाई जी थे, क्या कहेंगे काराकाट की जनता से, दुल्हन गाने के माध्यम से अभी तो बचा ही हुआ था। कि मांग ले आशीष भैया छू के चरनिया, कि दही दिहाया अपन दुलार, कि वोट मांगे बेटा भाई तुहार, ए भैया हो कि वोट मांगे बेटा भाई तुहार। तो हमारे दोनों हाथ जोड़ के एकदम निवेदन है, आग्रह है कि जैसे सबको मौका दिया गया 15 साल 18 साल,
बस एक बार, बस एक बार आप लोग मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले भी बोला है ना कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो आपका भाई संसद भवन में बैठ के गरजेगा नहीं, और काराकाट की जनता का जो हक है वो दिलाने का काम करेंगे। क्या बात है, तो ये यहाँ पे कोई झूठा बात नहीं हुआ कि हाँ नहीं होता कि बातों में बहलाना फुसलाना, छोटा भाई है तो ये कर देंगे, ये सारी चीजें पवन भैया को मैं जानता हूँ नजदीक से, ये जानते हैं भाई। एक सेकंड, झूठा बात वो करता है, नहीं लोग बोलते हैं ना कि छोटा भाई है तो दिलासा दिला, चुनाव के बाद ये कर देगा, चुनाव के बाद लोग। मैं वादा करता हूँ पवन सिंह को जीतने के बाद हर एक वहाँ की जनता जीत रही है, हर एक वहाँ के गार्जियन, हर एक बड़े भाइयों, हर एक छोटे भाई एक सांसद बन के काम करेगा वहाँ। ये बात, वहाँ पवन सिंह को सांसद नहीं, वहाँ का हर एक जनता को सांसद चुना जाएगा, और हर लोग पवन सिंह के साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। बिल्कुल, इस चीज का वादा है, सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका ऐसे समर्थन चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू सेशन को आप लोग शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, और पहुंचाना जरूरी भी है ताकि लोगों के कान तक आवाज जाए, ऋतिक भाई जी की आवाज जाए, बड़े भैया पवन सिंह जी की आवाज जाए, और एकदम जबरदस्त वोटों से भैया को विजय बनाना है, इतिहास रचना है काराकाट में। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं भी काराकाट पहुंचूंगा, भाई जी भी पहुंचेंगे, तो वहां से भी अपडेट देंगे। तब तक इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार।